सर्दियों में खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन कर ही जाता है। सिर्फ घर में रखी 3 से 4 चीजों से आप झटपट तैयार करेंगे मूंगफली तिल की सुखड़ी, यानी पीनट सिस में सुखड़ी, जिसे आप पीनट सिस में गोल पापड़ी भी बोल सकते हैं। इतनी स्वादिष्ट और मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाला इसका स्वाद होता है। ढेर सारे कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल फाइबर से भरपूर, जो आपकी हड्डियां मजबूत करेगी, इंस्टेंट एनर्जी देगी, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, डाइजेशन को मजबूत करेगी, आंखों की रोशनी तेज करने वाली सुपर टेस्टी मिठाई। ना कोई चीनी चाशनी, ना कोई काजू बादाम, घर के सिंपल सामान से आप इसे तैयार कर पाएंगे और पूरे 3 से 4 महीने भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्वादिष्ट मुंह में घुल जाने वाली मूंगफली तिल की गुड़ पापड़ी यानी पीनट सिस में सुखड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है सफेद वाला तिल। वजन से ये लगभग मैंने 75 ग्राम लिया है, अगर कप से बोलूं तो आधे कप के करीब ये तिल है। साथ ही मैंने बराबर मात्रा में ली है मूंगफली सींग दाना, बिल्कुल कच्ची वाली जो मूंगफली होती है ना, बस ये वही है, तो ये भी मैंने ली है 75 ग्राम। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गुड़। गुड़ को खास ख्याल रखिए, आप पहले से ही क्रश करके लें। अगर आप बड़े बड़े पीसेस ले लेंगे तो पिघलने में समय लगेगा, फिर आपकी सुखड़ी हार्ड हो सकती है। वजन से लगभग 160 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया है। मतलब ऐसे समझ लीजिए, घर की कोई कटोरी सेट कीजिए, बराबर बराबर मात्रा में तिल और मूंगफली ले लीजिए और उसका जस्ट दोगुना आप गुड़ ले लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाएं 1 कढ़ाई और फ्लेम को कर दें यहाँ पर लो। सारे सफेद तिल इसमें डाल करके लगातार चलाते हुए तिल को हल्का सा भून लेंगे। आपको इसमें ना हल्की चटकने की आवाज आने लगेगी, बस इतना भर। भुने हुए तिल से बनी मिठाइयाँ बहुत ही फायदेमंद भी होती हैं, स्वादिष्ट बहुत लगती हैं। और ये तो अभी सीजन है तिल का, ढेर सारा कैल्शियम होता है तिल में, जिंक, कॉपर, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, बहुत बहुत ही फायदेमंद सर्दियों में, स्पेशली घर के बच्चे और बड़े सभी के लिए। तो जरूर बनाएं, ये मिठाई बनाना बेहद आसान है। सामान ये वाला जनरली हमारे घर में जाड़ों में तो रहता ही है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि तिल हल्के सुनहरे से हो गए हैं, चटकने की भी आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं भूनेंगे वरना तिल कड़वाहट पर आ जाएंगे। बस इस स्टेज पर गैस को ऑफ करेंगे, तिल को एक प्लेट पर निकाल लेंगे और उसी कढ़ाई में लो फ्लेम पर हम डालेंगे मूंगफली, जो भी हमने कच्ची वाली ली थी ना, तो बस वो ले लीजिए और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मूंगफली को भी बढ़िया से भून लेंगे। सिर्फ तब तक जब तक इसमें हल्की सी चटकने की आवाज ना आ जाए और जो छिलका है वो आपको अलग अलग दिखने लगेगा। और मूंगफली में होता है ढेर सारा प्रोटीन, ये आंखों की रोशनी भी तेज करती है, फाइबर भी होता है, साथ के साथ ब्रेन को भी तेज करती है। और मूंगफली को बढ़िया से भूनने के बाद आप गैस को बंद कर दें और इसको भी हम ठंडा होने देंगे। जब मूंगफली ठंडी हो जाए तो आप एक कपड़े पर डालिए, अच्छी तरीके से रगड़िए, सारा छिलका इसका हट जाएगा। और उसके बाद एक छानने वाली छलनी पर डाल करके इस तरह हिला करके हम इसका पूरा छिलका अलग कर देंगे और मूंगफली को अलग कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह से हमारी मूंगफली है बिल्कुल तैयार। अब आप लीजिए 1 ग्राइंडिंग जार और जब सारे तिल ठंडे हो जाए तो आप तिल को डालिए ग्राइंडिंग जार में और इसको हमें पीसना होगा एकदम कोर्स, यानी कि दरदरा सा, बहुत ज्यादा फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, लगातार नहीं चलाना है, पल्स में पीसेंगे, यानी कि चालू बंद थोड़ा चलाइए फिर रुकिए, बिल्कुल इस तरह से हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। ये लीजिए, बिल्कुल ऐसा आपको दरदरा सा तिल को पीसना है। बिल्कुल भी ध्यान रखिए कि इसको गर्म में नहीं पीसना है वरना तिल पूरा तेल छोड़ देगा। और उसी ग्राइंडिंग जार में हम जब मूंगफली ठंडी हो जाएंगी उसको भी पीस लेंगे, इसको भी बिल्कुल दरदरा सा पीसेंगे पल्स पर। ये लीजिए, मैंने मूंगफली को भी बिल्कुल कोर्स यानी कि दरदरा सा पीस लिया है, देखिए बिल्कुल इस प्रकार, परफेक्ट। तो इसको भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल चीजें, तो उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच सॉल्ट पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर, बहुत फायदा करता है, इसका टेस्ट भी बढ़िया लगता है सुखड़ी में। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इससे पहले मैंने आपके साथ आटे की सुखड़ी यानी गुड़ पापड़ी की रेसिपी शेयर की थी, वो वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो भी आप जरूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है। और ये वाली का भी कोई जवाब नहीं, जरूर बनाएं, आसान है। जिन लोगों को भी सख्त गजक वगैरह खाई नहीं जाती दांतों की परेशानी के कारण, आप पूरा मजा ले सकते हैं तिल की गजक का भी, मूंगफली की गजक का भी इस एक ही रेसिपी में। अच्छे से मिक्स करके इसको भी अलग रखेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं और फ्लेम को कर दें मीडियम। मीडियम फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच घी। सुखड़ी वगैरह घी में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल या वनस्पति घी भी ले सकते हैं। घी से हमारी मूंगफली तिल की गुड़ पापड़ी बहुत ही सॉफ्ट भी बनेगी, खाने में बेहद टेस्टी लगेगी, ऐसा लगेगा कि मुंह में घुल जाने वाली एकदम मक्खन की तरह। और यहाँ याद रखिए, यहाँ पर हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है वरना आपकी जो सुखड़ी है वो सख्त हो जाएगी, हार्डनेस पर आ जाएगी, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें।
और सारा क्रश्ड गुड़ जो भी हमने तैयार करके रखा ना, सारा हम इसमें डाल देंगे। बहुत ही फटाफट गुड़ पिघल जाता है, तो बस इस तरह लगातार चलाए जरूर। इसलिए मैंने बोला कि आप पहले ही छोटे छोटे पीसेस कर लें या कद्दूकस कर लें, इससे गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा गुड़ को हम पका लेंगे। बिल्कुल भी याद रखिए कि हमें ओवर कुक नहीं करना है, वरना क्या होगा कि सुखड़ी सख्त पड़ जाएगी। बस थोड़ा सा पकाएंगे जब तक इसमें बढ़िया से बबल्स ना आ जाएं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बबल्स आने शुरू हो गए हैं और गुड़ थोड़ा पफ पफ सा लग रहा है, यानी फूला फूला दिख रहा है। बस ऐसे समझ लीजिए कि फूला फूला सा हो जाए और सारा जो घी है वो अब्सॉर्ब कर ले। अब आप लीजिए एक थाली और थाली पर हल्का सा घी लगा करके ग्रीस कर लेंगे। चाहे तो कोई बर्फी वाली ट्रे हो ना तो वो भी आप ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि गुड़ ने पूरा घी अब्सॉर्ब कर लिया है और गुड़ एकदम फूला फूला पफी दिख रहा है। तो बस इस स्टेज पर गैस को कर देंगे बंद, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और बंद गैस पर तुरंत जो हमने अभी मिक्स तैयार करके रखा ना सब चीजों का, सारा इसमें हम डाल देंगे और फटाफट से करेंगे सब चीजों को मिक्स। मिनटों में तैयार होती है ये पीनट्स, इसमें सुखड़ी खाने में बहुत ही लाजवाब होती है, हेल्दी टेस्टी। बच्चे तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे, इसका टेस्ट इतना बढ़िया लगता है। और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि हमने सही माप से इसको बनाया है, परफेक्ट रेशो, परफेक्ट टेक्सचर और परफेक्ट टेस्ट के साथ हमारी जबरदस्त गुड़ पापड़ी मूंगफली तिल वाली है बिल्कुल तैयार। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है और पूरे मिक्स को हम एक थाली पर निकाल लेंगे। और बस एक कटोरी पर आप हल्का सा ग्रीस करके इसको बढ़िया से दबाते हुए सेट कर लें। अब इसको 2 मिनट हल्का सा ठंडा होने देंगे, फिर कट मार्क्स लगा लेंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा भी लगे कि जो मिक्स है वो थोड़ा बिखर रहा है या ड्राई हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दूध के छींटे मार करके उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो बस जैसे चाहे उस शेप में आप कट कर सकते हैं। मैं इसको जैसे गुड़ पापड़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से कट कर रही हूँ। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी सर्दियों की खास, झटपट बनने वाली, बहुत बहुत स्वादिष्ट, मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली तिल मूंगफली की सुखड़ी। आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग कितनी सुंदर आई है। बनाना आपने देखा बहुत ही आसान है, मिनटों का काम है। अब मैं आपको ये निकाल कर भी दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया हमारी सुखड़ी तैयार हुई है। इसका जो टेस्ट है ना, मूंगफली और तिल का जो कॉम्बिनेशन है, उससे ये हेल्दी तो हो ही जाती है, टेस्ट में बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत जल्दी ये सेट हो जाती है। तो बस इस तरह निकालेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, हर तरफ से इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, हल्की सॉफ्ट रहती है, खाकर आपको मजा आ जाएगा। और इस तरह से बनाकर आप इसे पूरे 3 से 4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। बस इस तरह से आप इसको पूरे 3 से 4 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। लग रही है ना एकदम बढ़िया, एक ही तिल मूंगफली की सुखड़ी में आपको तिल की गजक का भी, मूंगफली की गजक का भी और सुखड़ी का भी, तीनों का ही फ्लेवर आ जाएगा। तो 3-in-1 रेसिपी। ये आप देख सकते हैं इसका परफेक्ट टेक्सचर, 100% पहली बार में ही आपकी तिल मूंगफली की सुखड़ी बहुत ही गजब की बनेगी। जरूर बनाइएगा, जरूर बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएगी। बच्चे तो आपसे मांग मांग कर खाएंगे जो इसका टेस्ट है। बस अब सर्दियों में खाने के बाद सोचिएगा मत क्या मीठे में खाएं, इसे बना लीजिए और महीनों खाइए। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये विंटर स्पेशल तिल मूंगफली की सुखड़ी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और हाँ व्हाट्सएप पर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।